हाय, दिस इज अनुज. चैप्टर नंबर 5, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.1, क्लास 10th का एनसीईआरटी से पेज नंबर 99. सेकंड क्वेश्चन है आपका. ए और डी हमें पता है, हमें इसके फोर्थ टर्म फाइंड करना. फर्स्ट टर्म तो हमारा पता है ना, सो सेकंड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी. ए की वैल्यू हमारी है -2 और डी की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू -2. अगेन टर्म लिख दो यहाँ पे. ओके, सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 2d इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -2. एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस 3d इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -2. इस तरह से आपका आया -2 -2 -2 and -2, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है. अब आप देख लो, अब -2 सब सेम क्यों आया, रीज़न क्या है? बिकॉज आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है. और जब कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो जाहिर सी बात है हमें एक ही नंबर्स आएंगे. सो जो ए है वही रिपीटेड होते रहता है. सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन. इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने के लिए. थैंक यू.